सभी लोगों को राम राम हो करता हूँ, सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों के अंदर मौज ले रहे हो। तो आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो थोड़ी सी सीरियस होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा बड़े, सबसे ज्यादा फैशनेबल, सबसे ज्यादा रिच ब्लॉगर के बारे में। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, आज हम बात करने वाले हैं गौरव जोन के बारे में। लेकिन एक रात नहीं लगती सर, कुत्ते की मौत मरता आदमी, कुत्ता भी नहीं पूछता सर, कुत्ता भी नहीं पूछता, कर्मा से डरो। हाँ जी, वही गौरव जोन जो कभी आर्मी वालों के पैसे खा जाता है, कभी गुरुजी को एक्सपोज करने लगता है, कभी अपने दोस्तों से खुद ही एक्सपोज हो जाता है, या फिर कभी बीमार होने पे यूट्यूब छोड़ने लगता है। बट शायद मैं व्लॉग अब डाल ना पाऊँ, ये मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो और इसके बाद मैं शायद अपना वीडियो चैनल ही उड़ा दूँ, तो कल या परसों तक चैनल भी शायद डिलीट हो जाएगा इंटरनेट से और आपको गौरव जोन का नाम निशान हट जाएगा। इस बंदे की लाइफ में कंट्रोवर्सीज इतनी भर रखी है जितनी मुगलों के लिए हमारे छोटे बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में इज्जत। मैं इसको बताना चाहूंगा भाई, अगर तू 10% भी कंटेंट पे ध्यान दे लेता ना कंट्रोवर्सीज को छोड़ के, तो आज लोग तेरे को इंसान समझने लग जाते। कुत्ता भी नहीं पूछता, कर्मा से डरो। खैर, इसने पास्ट में जितनी भी कंट्रोवर्सीज करी, जितने भी धमाल करे, जो कुछ इसने करा भाई, मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला, ना उनको कवर करूंगा, क्योंकि यार पास्ट में यार सब लोगों ने गलती कर रखी होती, मैंने भी बहुत गलतियां करी अपने पास्ट में, तुमने भी कर रखी होगी, तो उनको उखाड़ना और दोबारा उस पर ज्ञान देना वो मेरे को सही नहीं लगता। बट इसकी बात करेंगे हम जो इसने प्रेजेंट में करा है। प्रेजेंट की बात करते हैं, हाल ही में हमारे गौरव जोन भैया उस गोबर जोन भैया ये गए थे मथुरा, और मथुरा में कहां पे गए, ये गए निधिवन। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा निधिवन क्या है, कौन सी जगह है और वहां पे क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं हिंदी में। बेसिकली निधिवन एक गार्डन है जो कि बहुत पुराने टाइम से, मतलब कृष्ण जी के टाइम से, और लोगों की ये मान्यता है कि वहां पे रोज कृष्ण जी आते हैं और रासलीला रचाते हैं। 6 बजे के बाद वहां पे किसी को रुकने की परमिशन नहीं होती, यहां तक कि जानवर भी रात को धीरे धीरे मतलब शाम तक चले जाते हैं। ये आज के नहीं, भगवान द्वापर रूप में आए थे, 5,700 साल पुराने वृक्ष है, ये 100 साल में टूटते हैं, फिर वहीं से नया वृक्ष आता है। शाम को 7 बजे के बाद आरती होती है, ये बंदर कुत्ते बिल्ली जीव जंतु पशु पक्षी सब बाहर चले जाते हैं। 7 बजे मंदिर में 2 पुजारी होते हैं जो ये श्रृंगार का सामान लगाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी है और किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठाते। और जो हमारे गोबर जोन भाई है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या गर्मी चढ़ गई, ये चल दिए भाई निधिवन को एक्सपोज करने, और वो भी बिना किसी परमिशन के दीवार कूद के एकदम चोरों की तरह। आइए तुम आइए आराम से आइए, कुत्ते वो कुछ तो लफड़ा है भाई, कुछ लफड़ा है, जरूर लफड़ा है कुत्ते को, देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। तो ये पहली गलती इसने क्या करी, इसने ऐसी जगह चूज करी एक्सपोज करने के लिए जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी और बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान है। दूसरी गलती इसने क्या करी, जो जगह मतलब जहाँ पे जाना बिल्कुल बैन है इंसानों का 6 बजे के बाद, वहाँ पे ये गया और वो भी जूते पहन के मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है। गलती इसके और इसके दोस्तों ने क्या करी, वहां पे जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर व्लॉग व्लूग लेके पूरा कैमरा सेटअप लेके वहां पे जा रखे हैं। यहां पे जितने भी भगवान है ना उन सब पटक दिया गया है, देखो दिखा दे तुमको, मोबाइल से बना, मोबाइल से बना। और उसके बाद ऐसे गवारों की तरह भग रहे हैं जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। अबे क्यों फाड़ रहे हो मेरी यार, पायलों की आवाज आ रही है पीछे, आवाज मत कर भाई। पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि ब्लॉगर कैसे बन गया, क्योंकि जितने भी ब्लॉग बनाता है सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, और सरप्राइज नहीं होगा मुझे कहने में भी कि ये वाला ब्लॉग भी स्क्रिप्टेड है, और कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा माई 11 सर्कल ऐप के बारे में। गाइज, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद है और आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो माई 11 सर्कल ऐप। ये ऐप 100% ट्रस्टेड है क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर्स है सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे और वीवीएस लक्ष्मण। जिन जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच स्टार्ट होने वाले 16 नवंबर से, जिसमें खेले जाएंगे 3 T20s और 2 टेस्ट मैच। आपको कुछ नहीं करना भाई, अपनी एक टीम बनानी 11 प्लेयर की, दोनों टीमों में से चूज करके अपने प्लेयर, और अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा बढ़िया हुई तो आप जीत सकते हो बहुत ज्यादा मोटा पैसा। और सबसे मेन चीज ये कि अगर इंडिया जीती तो आप जीतोगे डबल पैसे। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहां से आप डाउनलोड करोगे माई 11 सर्कल ऐप तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैशबैक अपने पहले डिपॉजिट। जिसको नहीं समझ आया मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने जमा करे 11 सर्कल पे 100 रुपए तो आपको 11 सर्कल देगा 120 रुपए, मतलब 20% ज्यादा। और भाई ऑफर एक्सक्लूसिव है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस। तो भाई तुम वेट किस चीज का कर रहे हो यार, जल्दी डाउनलोड कर लो माय 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओ वाह भाई, जान बच के भाग गई, यहां कोई गाड़ी कहां गई, नहीं
अबे गाड़ी कहाँ ले गए भाई? पहली बात तो ये 100% ये वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड है, मतलब इसमें मेरे को बोलना भी क्या, इसकी शक्ल देख के कोई भी बोल दे कि भाई ये वीडियो स्क्रिप्टेड है यार, ये सारी स्क्रिप्टेड ही बनाता होगा। बट फिर भी आप में से 1-2% लोग ऐसे होंगे जो गौरव भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा करते होंगे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे, जिनको लग रहा कि गौरव भाई को असली में वहाँ पे भूत दिख गया होगा। उनको मैं बताना चाहूंगा इस आदमी के बारे में जो अभी मैंने दिखाया। कुछ नहीं आ रही, आ जाओ। कि भाई देखो ये पहले क्या बोलता कि मेरे को कोई भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही, आ जाओ। उसके बाद गौरव के बार बार रिपीट करने पे, फोर्सफुली बोलने पे कि भाई हाँ आ रही है, ये भी बोल लगता है हाँ भाई मुझे भी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, सुनिए भाई, आ तो रही है, आ रही है भाई, आ रही है भाई, आवाज गाइस आपको भी आ रही होगी, थोड़ी आवाज आ रही है, हमको साफ आ रही है, आपको आवाज आ रही है। इसके सारे दोस्त डरने लगते हैं कि हाँ भाई हमने बहुत सुना है यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद सेम वही लाइन बोल के वे भी डरने लगते हैं। मैं जा ही नहीं सकता इसमें, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। तो अब गाड़ी चल, तू गाड़ी में बैठ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ठीक है तुम अंदर चल सकते हो तो मैं चल सकता हूँ अंदर। यह बहुत ही डरावनी जगह है यार, ऐसे रातों में देखो आना जान के लिए खतरा भी हो सकता है यार। देखो देखते हैं, चल के आया ही है, आप चलते हैं, तुम चलते हो तो मैं चलता हूँ, नहीं वैसे तो मैं जाऊँगा नहीं, अपनी ऐसा कोई अपनी मौत नहीं दे सकता भाई। आ जाओ आप, आ जाओ तुम आ सकते हो तो मैं चल सकता हूँ, बस दूर दूर तक अंधेरे अंधेरा और पेड़ जैसे लगे हैं, पेड़ खा जाएगा भाई। देखो गौरव मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपने चीज करी है लीगली तो गलत है ही, जिसके लिए भाई इसको अरेस्ट कर लिया गया, ऊपर से ये मोरली भी गलत है, क्योंकि भाई आप कौन होते हो किसी के फेथ का मजाक उड़ाने। और भाई मेन चीज तो ये है कि तुझे बोल कौन रहा है कि तू भाई जा और निधिवन को एक्सपोज कर। तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? फेथ के नाम पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे इंडिया में फेथ के नाम पे ऐसी ऐसी चीज होती है, लोग अपने आप को काट लेते हैं, पीट लेते हैं, खूनम खून हो जाते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी सब लोग उनको नॉर्मली लेते हैं, और तू तो भाई फिर भी ऐसे मंदिर को एक्सपोज करने चला गया जहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। तो गाइज वो सब शूट करके मैं आ गया घर, और जहाँ तक मैंने नोटिस करा कि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ बस अफवाहें। भाई देख तू भगवान को नहीं मानता होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नास्तिक लोग हैं हमारे इंडिया में और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक और नास्तिक ऐड हो जाएगा, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो ये अधर्मियों वाले काम तू कर रहा ना, इससे मेरे को प्रॉब्लम। भाई देखो गलती सबसे होती है, इंसान से ही होती है, तू तो फिर भी सही बताऊं तू जानवर ही है, बट कोई बात नहीं, चल भाई तेरे से भी गलती होगी, इस बात की मान ली, एक सॉरी बोल दे ताकि स्टोरी पे कि भाई मेरी तरफ से सबको सॉरी, जो जो मेरे से ऑफेंड हुए, मेरे को नहीं करना चाहिए था। पर नहीं, हमारे भाई में इतनी ऐट भरी पड़ी है, नुकारा सॉरी ना बोल रहा, नुकारा कि ये लोग ना मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं। यार गौरव भाई क्या करके मानोगे, तुम क्या करके मानोगे बताओ? गौरव भाई अब टाइम आ गया भाई मैच्योरिटी से जीने का, ना तो ऐसे टाइम आ जाएगा, वैसे तेरा टाइम बुरा चल ही रहा है, पर फिर भी एक ऐसा टाइम आ जाएगा, हर साल तुझे वकील बदलने पड़ेंगे, तुझे जेल बदलनी पड़ेगी भाई, तेरी बेल के कागज खत्म ना होंगे, इसलिए भाई थोड़ा मैच्योरिटी से जी यार। हम यहाँ पे भी धर्मियों से जय श्री राम बुलवा के पागल हो रखे हैं, और वहाँ पे दूसरी साइड अपने लोग जयचंद बनते जा रहे हैं। वीडियो को खत्म करते हैं और जाने से पहले गौरव भाई को एक बहुत बड़ा थैंक यू, एक एग्जांपल सेट करने के लिए, बल्कि खुद एग्जांपल बनने के लिए, कि जब जब अधर्मी लोग हम पे अटैक करेंगे, हम दुगनी ताकत से उसको रिटेलिएट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गौरव भाई, और भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सारी चीज कर देना, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना, और माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।